पहले तो 2021 has already got हम सबके लिए बहुत सारी freshness, और मेरा ये first event है जो मैं attend कर रही हूँ. The music is really fresh and Ashi and the guy, I think the new guy, Sujal, has really done justice. They are so fresh in the song and Ashi has really done a fantastic job. हमने launch में देखा ही कि कैसे सुजल ने कहा कि वो एक newcomer है, पर Ashi ने उसको बहुत ही कंफर्ट फील कराया थ्रू आउट द शूट. आई थिंक दैट इज़ वॉट वी ऑल हैव डिस्कवर्ड इन 2020, दैट इट्स ऑल अबाउट बींग टुगेदर. एंड दिस सॉन्ग इज रियली डन जस्टिस टू द फ्रेशनेस. और 1 million व्यू इन 4 hours, ओवर 1 million व्यू इन 4 hours, आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल. जस्ट शोज हाउ मच ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड हार्ड वर्क हैज गॉन थ्रू इट. एंड आई लव द लोकेशन. म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री इज गोइंग बाय लीप एंड बाउंड्स. व्हाट डू यू से अबाउट द आर्टिस्ट, यू नो, वर्किंग इन द म्यूजिक इंडस्ट्री? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एज आई डोंट वांट टू रिवील माय एज, बट यू नो वी हैव ग्रोन सीइंग म्यूजिक वीडियोस एंड आई इट्स रियली अमेजिंग टू सी music videos coming back, because somewhere down the line we were all lost. I'm not saying Bollywood music is bad, but we were all lost in Bollywood. But the true essence, the true and blue essence of music really comes through the music video, because the song is shot just as per what the lyrics are. So I think it's amazing that music videos are coming back. Aur mujhe lagta hai ki isi ke sath bahut sare music videos aane chahiye. All the artists should come up with lot of singles indeed. Talking about you professionally, you're engaged somewhere or in the future? Well, to be honest, if you know my profile, I am an MC by profession, but in 2020 I won the Femina Mrs. Congeniality, which was an amazing feather in my milestone. And apart from that, I was Mrs. India in 2015. With that, I have taken up a lot of other work, which is I have signed up as a trustee with an NGO, which is an old age home. And apart from that, I am still belonging to the glamour industry and I'm getting back with a lot of new things which is going to come up soon. यार फैंस को थैंक यू बोलना चाहूँगा इतना प्यार देने के लिए, क्योंकि ये मेरा खुद का लेबल है पर्ल म्यूज़िक. एंड हम लोगों ने और सारे म्यूज़िक वीडियोस किए हैं, लेकिन आई थिंक ये 4 hours में 1 million क्रॉस करना, इट्स अ बिग थिंग एंड इट्स गेटिंग बेटर डे बाय डे. क्योंकि हम लोगों ने ये म्यूज़िक वीडियो में आशी सिंह, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उसके साथ एक नए चेहरे को हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है, सुजल कटारिया. सो इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. हम लोगों ने ट्राई किया कि एक क्यूट सा वीडियो हम लोग दे सकें यंग जनरेशन को. सो या Here it is. तो कुछ बताइए, पर्ल म्यूजिक का जो फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में बताइए कि क्या. सो पर्ल म्यूजिक बेसिकली हम लोग का लेबल है, म्यूजिक लेबल है, जिसमें आप ओरिजिनल कंटेंट देखेंगे. एंड कुछ मीठे पल करके एक चैट शो भी स्टार्ट हुआ है, जिसमें शान और पलक दीदी फर्स्ट एपिसोड में आए थे. अभी रश्मि देसाई आने वाली है, देन सुनील सर आने वाले, सुनील पाल सर, देन जाकिर खान आने वाले हैं. सो बहुत कुछ ओरिजिनल कंटेंट है. एंड एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ जो कि यू नो मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं या फिर पर्सनली जो नए टैलेंट मिलते हैं उनको लॉन्च करना. सो आज एक सुजल कटारिया करके एक एक्टर है मुंबई से, उनको किया है. इसके पहले तनुष्का भट्ट करके दिल्ली से एक्टर थी. सो नॉर्मली बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, तो आई यूज टू थिंक यू नो जो कि मैं फिल्म्स कर रहा हूँ टी सीरीज के लिए, एसडी म्यूजिक के लिए, उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि जिसमें मैं नए टैलेंट को यू नो प्रेजेंट कर सकूँ. सो ये खुद का एक लेबल है जिसमें मैं उनको प्रेजेंट भी कर पा रहा हूँ, एट द सेम टाइम वो म्यूजिक कर पा रहा हूँ जो कि मुझे पसंद है और जो मैं देना चाहता हूँ आप सभी को. मेरे लिए एज अ सिस्टर बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि पलाश इतने सारे जैसे कि अपने रोल्स कहाँ निभा रहा है, बिकॉज खुद डायरेक्शन भी किया है, डायरेक्शन के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्शन किया है, फिल्म्स के लिए भी कर चुका है. बट आई थिंक इस पल म्यूजिक लेबल के पीछे जो मोटिव है नए टैलेंट को चांस देना, दैट्स अमेजिंग. और इंडिया में इतना सारा टैलेंट है कि जितने लोगों को मौका दिया जाए उतना कम है. तो ये पल म्यूजिक का जो इनिशिएटिव के बता रहे थे, उसके लिए कुछ और बताइए कि आगे क्या करने वाले हैं, क्या आपका प्लान है? जैसे कि पलाश ने कहा, बहुत सारे नामी चेहरे, नामी हस्तियाँ तो आपको देखने को मिलेंगी ही, लेकिन कई सारी नई आवाज़ें, नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे. एंड दैट्स अ होल मोटिव बिहाइंड पल म्यूजिक, टू एक्चुअली प्रमोट एंड प्रेजेंट न्यू टैलेंट, ओरिजिनल कॉन्टेंट. सो या दैट्स द मोटिव बिहाइंड पलाश's इनिशिएटिव. म्यूजिक वीडियो जो मार्केट में बड़ा हो चुका है, उसके लिए मतलब कितना ज़्यादा एक पॉजिटिव साइन नज़र आ रहा है इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए भी एस्टैब्लिश करने के लिए. बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, बिकॉज इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए लोग बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव बन गए हैं. एंड फिल्में कुछ बनती हैं, अगर 200 फिल्म भी बनती हैं तो जितना टैलेंट है इंडिया में सबको कवर करना पॉसिबल नहीं है. तो अगर ओरिजिनल म्यूज़िक को इतना ज़्यादा सराहा जा रहा है, इतना पसंद किया जा रहा है, इतना ज़्यादा मोटिवेट किया जा रहा है, आई थिंक किसी भी आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी बात है. इसका आगे क्या, ये तो कामयाब हुई क्या, आगे क्या?
सर इसके बाद एक सना सईद करके हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है जो आप सब लोगों ने अंजलि की रोल में कुछ कुछ होता है में देखा है, सो वो आने वाली है। एंड इसके बाद एक थोड़ा सा सरप्राइज़ है जो कि एंड्रयू रसेल करके क्रिकेटर है, उन्होंने हिंदी में सॉन्ग गाया है, सो वो पल म्यूजिक पे आने वाला है। सो आई थिंक बहुत सारे अच्छे टैलेंट्स, बहुत सारे न्यू टैलेंट्स के साथ साथ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हम लोग टाइप कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं। सो ऐसे ही आप प्यार देते रहिए। थैंक यू। मैंने एक फ़ोटो लेना, रुकिए, बहुत अच्छा माहौल है। मैं हैबिट से कहना चाहूँगा फुल म्यूज़िक के लिए, अरे आई नहीं फुल म्यूज़िक के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं पाल म्यूज़िक में पहुँचा हूँ। पाल म्यूज़िक तो मुझे घर जैसी फीलिंग आ रही है और दो टैलेंटेड देश के गोल्डन सुनहरे क्या कह सकते हैं अवार्ड रिकॉर्ड अपने चलते फिरते अवार्ड रिकॉर्ड मेरे साथ में। एक तो पलाश मंडियाल जो है उनको कंपोजर तो कमाल आई, आज इनकी वॉइस मैंने सुनी, मैंने कहा आप रे ये वॉइस नहीं है वॉइस है, ये इसमें बहुत एनर्जी है और इनको कौन भूल सकता है भाई। तो इनकी आवाज़ तो सुनना ही है, हिंदुस्तान में इनकी आवाज़ कौन नहीं सुनेगा भाई। दोनों पी एम है, दोनों पी एम है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं पहले से म्यूज़िक कंपनी के लिए, पल म्यूज़िक के लिए, कि पल पल ये आगे बढ़ता रहे और दुनिया की नंबर वन। सुजल कटारिया मेरा नाम है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, 11 BKC मुंबई। आई वेंट फॉर बोर्डिंग स्कूल इन इंदौर बट नाउ आई एम टोटली शिफ्टेड टू मुंबई फ्रॉम लास्ट ईयर। कितने सेलिब्रिटीज आए हैं आपके इस खुशी के माहौल में, सुनील पाल जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कितना अच्छा लग रहा है? आई एम फीलिंग वेरी नाइस दैट सर आए मेरे प्रोग्राम में और बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए, मुझे एकदम बहुत मतलब लाइक माई ड्रीम कम ट्रू। क्या बैकग्राउंड क्या पे बताइए, एक्टिंग में कैसे आया, क्या बैकग्राउंड क्या है? मतलब आई केम टू नो दैट पल म्यूजिक वॉज लुकिंग फॉर अ न्यू टैलेंट, सो आई कॉन्टेक्टेड दैम एंड ट्राइड कॉन्टेक्टिंग दैम अगेन एंड अगेन, सो they replied me back after a month, 15-20 days they called me for a audition and after that they replied me back after 15-20 days that you come for workshop, then we had a workshop and then my music video you can see now the journey has begun. What about future future planning, kya karna cha rahe ho? Pearl Music has signed me for 3 music videos so I'll be doing that एंड अगर और कुछ भी अपॉर्चुनिटीज मिली तो आई डेफिनेटली डू दैट एंड विल लर्न मोर बाय डूइंग दिस। शी इज़ अ वेरी गुड स्टार एज आशीष सिंह को तो हर कोई जानता है। मुझे पहले ये नर्वसनेस हो रही थी कि आशीष सिंह इज़ लाइक जैस्मिन अलादीन की जो सबसे प्रेशियस है, तो मैं डर रहा था कि मैं इसके साथ कोप अप कर पाऊँगा कि नहीं, बट शी मेड मी कम्फर्टेबल एंड मेक मी दिस प्रोजेक्ट डू ईजी। उनके बारे में तो क्या ही बोलूँ, मतलब एकदम दे तो दे आर तो लेजेंड्स, सो उनकी वॉइस के साथ मुझे फिट होना था, तो उनकी वॉइस को जस्टिस देने के लिए पहले तो प्रेशर था मुझ पर शुरू शुरू में, फिर धीरे धीरे थोड़ा मुझे लगा बट आई गेव माई 100%। सो ये हमारा एक दिन का शूट था, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे था जैसे आपने देखा ही होगा इन वीडियो। तो सबसे पहले तो वो एक जो रिफ्रेशमेंट होता है व्हेन यू गो ऑन वेकेशन, तो मुझे वो एल्बम शूट करके फील ही नहीं हुआ कि मैं पूरा दिन काम कर रही थी एक्सेप्ट द हील्स जो मैंने पूरा दिन पहने हुए थे, उसके सिवा वो लगा ही नहीं कि मैं काम कर रही हूँ। मैंने बहुत इन्जॉय किया और वो वैकेशन जैसा फील आ रहा था, हम लोग बस घूम रहे थे और ब्यूटीफुल जगह देख रहे थे। बाकी सुजल ही इज़ न्यू ऑफकोर्स और वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे, आई डोंट नो मैं उन्हें कम्फर्टेबल करा पाई या नहीं, कोशिश बहुत की लेकिन लाइक ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग और वो कभी भी किसी भी शॉट से पहले ही वॉज नॉट इरीटेटेड, क्योंकि इतनी बार जब आप कोई भी नया शूट स्टार्ट करते हो जब आपको एक चीज़ 50 बार करनी पड़ती है तो पीपल जनरली गेट इरीटेटेड, वो बिल्कुल इरीटेट नहीं हो रहे थे और ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग आई वुड से दैट। Yeah, she was very nice. She made me comfortable. As she said, she won't make, but she made me comfortable and made this project easy for me also. Yeah, thank you. And she was like, I had to make justice with her as she is very known actress, you know. She is Jasmine of Aladdin, so I had to make her like, you know, comfortable and like cope up with her.
वेल मैं हमेशा कहता हूँ कि आशी एक बहुत ही अच्छी कलाकार है और वो जो भी काम करती है अपना हमेशा बेस्ट देती है. आपने उसका काम यास्मीन में देखा, अलादीन में देखा होगा जो यास्मीन प्ले करती है. एंड आई रिमेंबर वो शूट भी चल रही थी उसी दौरान इसने म्यूजिक वीडियो भी शूट किया और एक दिन में इसने शूट किया. एंड शी वॉज़ वेरी टायर्ड एंड एकदम वो बहुत स्ट्रेस में थी कैसे करेगी, बट उसने करके आई और फिर हमारा शूट भी करने लगी अलादीन का. सो ये चीज़ की बहुत अच्छी है कि अपना काम बहुत अच्छे से करती है और हमेशा अपना बेस्ट देती है. एंड दैट्स द रीज़न ये म्यूज़िक वीडियो भी इतना खूबसूरत लग रहा है और पूरे फ्रेम में जो ब्यूटी है. एंड नो डाउट दिस गाय ऑल्सो सुजल जी, यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब. नहीं, आई एब्सोल्युटली लव द म्यूजिक वीडियो और मेरे को लगता है काफ़ी टाइम से सारे इंतजार करते हैं आशी को देखने के लिए. एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, दे बोथ हैव एक्टेड सो वेल एंड आई स्पेशली लव देम. बट आई थिंक दिस वीडियो इज लाइक फैबुलस, बहुत अच्छा लगा. बहुत कुछ चल रहा है एंड वेरी सून वी ऑल विल बी, यू विल बी सीइंग अस ऑल इन द वीडियो वंस अगेन. एंड काफ़ी कुछ आ रहा है, सो गाइस स्टे ट्यून्ड.
I just got to know they crossed 1 million like within like 4-5 hours. That's incredible. And I just heard the song and it's beautiful and the video is very cute. She is looking very pretty. I just told her she is looking very nice. So I like I'm here all because of her. Yeah. Yeah. Many artists are being featured in music videos. But artists क्या करने चाहिए music videos का जो दौर चला उसके बारे में. लेकिन music videos हमेशा से दी है. अगर मैं पंजाबी music ज़्यादा सुनता हूँ तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा trend था. ये trend यहाँ अभी आने लग गया है. पहले सोनू निगम भी गाते थे. बहुत trend था. वो दोबारा वापस आ रहा है. तो people love to listen new songs. तो वो काफ़ी अच्छा है. अच्छा लोगों के लिए भी अच्छा है कि उनको नया म्यूजिक मिल रहा है. फ्रेश म्यूजिक मिल रहा है. विच इज़ गुड. व्हाट अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ? व्हाट्स गोइंग ऑन? करंटली आई एम डूइंग चंडीगढ़ करे आशिकी. तो वो है एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. वहाँ पर बिल्कुल क्योंकि क्या है सारी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं आपको जब जब ट्रैवल करना पड़ रहा है. तो वी हैव टू डू द कोविड टेस्ट. सारे गाइडलाइंस है उस चीज़ को लेके हमें पूरा फॉलो करना पड़ रहा है. तो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं एंड बट जो वो फीलिंग है शूट करने की वो चेंज नहीं हुई. हमारी हार्ड वर्किंग जो फ्रेंड है आशीष सिंह म्यूजिक वीडियो आया. बहुत 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 अच्छा लगा है. इसको हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं काम करते हैं. बट जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे अच्छा काम करती जा रही है उसके लिए आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट. आप ऐसे ही आगे करते हो. भगवान आपको बहुत 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 ऊपर लेके जाए एंड स्टे ग्राउंडेड लाइक दिस. बहुत हम्बल है यार. मतलब मैं आई हैव नेवर सीन एनी एक्ट्रेस लाइक दिस जो इतने अच्छे लेवल पे होकर भी इतनी हम्बल है. सो ऑल द बेस्ट एंड कीप टॉकिंग. Today I'm here for Aashi. Aashi is a very sweet girl. I know her, I think past 2-3 years. और मुझे इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला. बट मैंने कुछ टाइम जो भी इनके साथ मिला हूँ ऐसे इवेंट्स वगैरह में. अभी मैं गणपति में भी गया था आशी के यहाँ. हाँ. तो एज अ पर्सन शी इज़ वेरी स्वीट और एज अ एक्टर शी इज़ वेरी टैलेंटेड. और आई एम वेरी हैप्पी कि इनका एक गाना है बादलों से आगे. तो बहुत ही प्यारा गाना है. मैंने ये गाना भी सुना है और आई विश ऑल द बेस्ट. और ये गाना मिलियंस क्रॉस करे. और आशी तुम ऐसे ही रॉक करती रहो. अच्छे अच्छे गाने करो. सीरियल्स करो और फिल्म्स करो उसके बाद. Yes.